आज हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है जिसमें जो भी गिवन अरे रहता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक अज्यूम किया जाता है कि एक हमारा सॉर्टेड पार्ट है और दूसरा क्या है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। सपोज हमें ये एलिमेंट्स गिवन है 7, 1, 2, 9, 3, 6, ये एलिमेंट्स हमें गिवन है। अब इसमें हम अज्यूम करेंगे कि एक हमारा सॉर्टेड पार्ट है और दूसरा क्या है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। अब सपोज हमने अज्यूम किया कि ये है हमारा सॉर्टेड पार्ट और ये पूरा क्या है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, इस अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट को पिक करना है, सॉर्टेड पार्ट में हमें कंपेयर करना है कि उसे कहां पे फिट करना है हमें, जहां पे भी उसकी प्रॉपर प्लेस हमें मिलेगी वहां पे हमें उसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। इसलिए इसका नाम क्या है, इंसर्शन। अब हमें करना क्या है कि अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट को पिक करना है, उस एलिमेंट को पिक करके सॉर्टेड पार्ट में उसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी है कि उसको कहां पे फिट होना चाहिए, उस पोजीशन में उसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 1, 7 और ये हो जाएगा 2, 9, 3, 6। तो अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉर्टेड पार्ट और ये क्या हो गया हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। हम इसको इससे नहीं कंपेयर, पूरे से कंपेयर करते, हम इतने से पोर्शन को हम क्या मान रहे, ये दोनों क्या है, सॉर्टेड है। मतलब देखो 1 अपनी सही पोजिशन पे, 7 अपनी सही पोजिशन पे, अगर हम इसको पूरे को एक अरे है तो ओके। अब हमें फिर से क्या करना है, अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट को पिक करना है, इसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी है कि इस 2 को कहां पर आना चाहिए, उस प्रॉपर पोजीशन पे उसको क्या कर देना है, यहां पे आके इंसर्ट कर देना है। तो इसीलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और उसको सॉर्टेड पार्ट में आके क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इंसर्शन सॉर्ट है। देखो जस्ट लाइक अगर हमारे यहाँ पे 5-6 यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स कोई भी खड़े हुए हैं, ठीक है, अब वो क्या है उन्हें हमें क्या करना है, लाइन वाइज हाइट वाइज उन्हें क्या करना है, हमें खड़ा करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट को देखते हैं, पहला वाला हमने बच्चा देखा वो क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि वो अपनी सही जगह पे है। फिर हम सेकंड को देखेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर हमें इसको आगे लाने की जरूरत होगी तो इसको हम आगे ले आएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, हाँ बिल्कुल सही पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये क्या हो गए, हम अज्यूम करेंगे ये क्या हो गए हमारे सॉर्टेड, मतलब ये क्या है हमारे बिल्कुल सही हाइट वाइज खड़े हुए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में से बचे हुए जो बच्चे हैं उनमें से एक और को पिक करेंगे, उसको हम पहले किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। अब हमें क्या पता चला कि हमें इसको आगे ले जाना है, इसको पीछे ले जाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पीछे ले जाएंगे। अब सीधे हम इसको यहाँ पे खड़ा नहीं कर देंगे, फिर हम इसी को किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। फिर हमें लग रहा है कि नहीं ये दोनों मतलब इनकी प्लेस क्या है, मतलब इसकी प्लेस क्या है, ये सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खड़ा कर देंगे। तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, हम बाकी के भी अब रिमेनिंग लिस्ट में से भी हम एक और को उठाएंगे और फिर इन सभी से कंपेयर करके उसको सही जगह पे इंसर्ट कर देंगे। अब हम इसी चीज को पहले हम एल्गोरिथम कोड की हेल्प से समझते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का उस पर कंसेप्ट लगाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको कोड की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या है, 2, 7, 1, 9, 6, ये क्या है हमारी लिस्ट है, मतलब ये क्या है हमारा अरे है। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हम इनिशियली क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो है हमारा क्या है सॉर्टेड है, मतलब ये 2 क्या है सॉर्टेड और ये सभी क्या है अनसॉर्टेड है। इसमें हम एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं 4, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये है हमारा सॉर्टेड पार्ट और ये क्या है पूरा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। अब देखो क्योंकि ये क्या है हमारा सॉर्टेड पार्ट है और ये क्या है अनसॉर्टेड पार्ट है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे इस अनसॉर्टेड पार्ट में से इस एलिमेंट को क्या करेंगे, पिक करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी की बन जाएगी। तो हमारी की क्या हो गई, 7, की इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 हो गया। इस की को हमें इस सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कम, अब क्योंकि 7 क्या है बड़ा है इस 2 से, इसका मतलब ये जो 7 जो है वो क्या है अपनी सही पोजीशन पर है। मतलब अब हमें स्वैप वगैरह करने, क्योंकि देखो सॉर्टेड पार्ट के हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके लास्ट एलिमेंट से ही कंपेयर हमने किया और हमें पता चल गया कि ये क्या है अपनी सही पोजीशन पर है, सही पोजीशन पर है, इसका मतलब हमें कोई स्वैपिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 2 और यहाँ पे ये क्या आ गया, 7, मतलब ये जो हो गया ये क्या हो गया हमारा सॉर्टेड पार्ट हो गया और ये जो रिमेनिंग है 1, 9, 6, 4 ये क्या है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। ओके,
अब क्या हुआ, फिर से हम अनसॉर्टेड पार्ट में से फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, तो अब हमारी जो की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। की इज इक्वल्स टू क्या हो गई, वन हो गई। मतलब इस की को ही हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। अब हम पहले उसको किससे कंपेयर करेंगे, सेवन से कंपेयर करेंगे। जब हमने इसको सेवन से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि सेवन तो क्या है, इससे बड़ा है, सेवन इससे बड़ा है। इसका मतलब अब हमें सेवन को कहां लेके जाना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा। कहां पे, एक लोकेशन हमें पीछे लेके जाना है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, सेवन यहां से उठ के कहां पे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सेवन कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। एक लोकेशन पीछे लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पे अभी कुछ भी नहीं, देखो हमने कोई डिलीशन वगैरह किया नहीं है, तो यहां पे अभी सेवन ही है। मतलब यहां पे हमसे हमने सेवन को हटाया नहीं, सिर्फ सेवन को ही उठा के यहां पे भी रख दिया। ओके, अब क्या हुआ, या आप अज्यूम कर सकते हो यहां पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर हम इस की को ही, इस वन को ही किससे कंपेयर करेंगे, यहां पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें एक एक करके पीछे पीछे जाके कंपेयर करना है। अब इस वन को ही हमने किससे कंपेयर कर दिया, टू से कंपेयर किया, तो टू भी क्या है, वन से बड़ा है। तो अब हम टू को भी कहां लेके आ जाएंगे, पीछे लेके आ जाएंगे। तो टू कहां पे आ जाएगा, एक लोकेशन पीछे, मतलब कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो टू कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ओके, इसके बाद में अब और कोई लोकेशन बची नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो हम रुक जाएंगे और अब हमारी जो की है उसको हम इस एम्प्टी लोकेशन पे, इस वाली लोकेशन पे क्या कर देंगे, यहां पर इंसर्ट कर देंगे। तो वन देखो अपनी सही लोकेशन पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो अब हमारा जो इतना वाला पार्ट है वो क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, और इतना वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, अनसॉर्टेड हो गया। ओके, अगेन हमें क्या करना है, अनसॉर्टेड पार्ट में से, अब देखो क्या है, 1 2 7 है, 9 6 4, 1 2 7 ये सॉर्टेड एंड 9 6 4 ये क्या है, अनसॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, अगेन अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट को पिक करना है, तो अब वही क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। तो की इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम 9 को किससे कंपेयर करेंगे, 7 से कंपेयर करेंगे। तो यहां हम देखें कि 7 इज लेस देन 9, जैसा कि होना चाहिए। मतलब 7 जो है 9 से पहले खड़ा है, 7 क्या है, इस की से पहले खड़ा हुआ है, पहले है, और वो सही पोजीशन पे। कैसे, क्योंकि 7 क्या है, 9 से छोटा है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो अब हम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है, हमें क्या पता है कि ये क्या है, सॉर्टेड पार्ट है। अब अगर 7 ही अपनी सही पोजीशन पे, मतलब 7 ही क्या है, 9 से छोटा है, तो बाकी सब तो ऑब्वियसली क्या होंगे, इससे 9 से छोटे ही होंगे, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे 7 से क्या है, छोटे ही है, क्योंकि ये क्या है, सॉर्टेड पार्ट है। तो अब हमें फर्दर कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो हम कंपेरिजन ओनली तभी करेंगे जब हमें क्या मिलेंगे, की से यहाँ पे क्या मिलेंगे, बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ही हम आगे जाएंगे। अगर हमें इससे छोटा एलिमेंट मिला है, ये 7 क्या है, छोटा है, तो हमें पता है कि बाकी भी ऑब्वियसली क्या होंगे, इससे छोटे ही होंगे। तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। ओके, तो अब हमारा सॉर्टेड पार्ट क्या हो गया, 1 2 7 9, और 6 4 क्या हो गया, हमारा अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अगेन हमें क्या करना है, 6 को पिक करना है यहां से, और फिर 9 से कंपेयर किया। यहां हमने 9 से कंपेयर किया, तो अब हमें क्या पता चला कि 9 तो क्या है, इससे बड़ा है, तो हमें 9 को कहां ले आना है, पीछे ले आना है। अब की क्या हो गई, 6 हो गई, तो 9 हम कहां ले आएंगे, यहां पर लिखे आएंगे। फिर हमने इस की को 7 से कंपेयर किया, तो 7 भी क्या है, की से बड़ा है, तो हमें 7 को भी कहां ले आना है, पीछे लेके आना है। ओके, फिर हमने इस की को 2 से कंपेयर किया, तो 2 क्या है, छोटा है की से, तो अब हमें कोई ना तो इंटरचेंज करना है, ना ही आगे कोई कंपैरिजन करना है। और अब ये जो लोकेशन है यहाँ पे किसको इंसर्ट कर देना है, इस की को इंसर्ट कर देना है। तो अब देखो क्या हो गया, 1 2 6 7 9, ये क्या हो गया, सॉर्टेड पार्ट, और ओनली जो 4 है ये क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को पहले 9 से कंपेयर किया, तो अब 9 क्या है, बड़ा है 4 से, तो 9 कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। की क्या है, 4 के इक्वल है। फिर हम इस 4 को किससे कंपेयर करेंगे, 7 से, तो 7 भी बड़ा है, तो 7 कहां आ गया, एक लोकेशन पीछे। फिर हम इस 4 को 6 से भी कंपेयर करेंगे, तो 6 भी बड़ा है, तो 6 भी आ गया, एक लोकेशन पीछे। फिर हम इस 4 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो 2 छोटा है, तो अब हम 4 को कहां पे इंसर्ट कर देंगे, यहां पर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब हम इसको कोड की हेल्प से समझते हैं।
अब देखो ये क्या है, हमारा इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। अब इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अरे हमने यूजर से ले लिया है पूरा, मतलब यूजर से अरे के एलिमेंट्स हम ले चुके हैं। एन जो है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे, जैसे कि हम मान लेते हैं एन इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है, ठीक है। हमने क्या माना है, एन इज इक्वल्स टू 6 है, ओके। तो 0 से लेकर मतलब मैक्सिमम इसमें अरे में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब क्योंकि अरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 से लेकर 5th लोकेशन तक इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स अरे में आ सकते हैं। तो हम यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 एलिमेंट्स यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या है, 7 2 1 3 4 8, ये क्या है इसमें एलिमेंट्स, ये क्या है हमारा अरे है, ये 0th लोकेशन, 1 2 3 4 ये 5th लोकेशन, ओके। ये हो गया, अब ये सब हम यूजर से ही ले चुके कि उसको कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने और क्या एलिमेंट्स उसको इंसर्ट करने हैं। उसके बाद में अब हमारा ये लूप स्टार्ट होगा, लूप 1 से स्टार्ट होगा। क्यों 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 0th लोकेशन को हम पहले हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सॉर्टेड। तो हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन 1 से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से लेकर फर्स्ट लोकेशन से लेकर लास्ट तक ये क्या है हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है, और ये क्या है हमारा सॉर्टेड पोर्शन। इसलिए लूप कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। की में हमने क्या लिया है, ए एट आई, मतलब ए ऑफ आई लिया है, तो की में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। तो अभी की में क्या आ गया, a ऑफ 1, मतलब a की फर्स्ट लोकेशन पर जो एलिमेंट है, i की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, तो a की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है 2 है, तो की में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हो गया, इसके बाद j इज इक्वल्स टू i माइनस 1, क्योंकि अब हमें इस की को इसकी पहले वाली लोकेशन से कंपेयर करना है। तो अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, i माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगी, ओके। अब हम यहां पर आए, While j is greater than or equal to 0, ये हमें greater than or equal to 0 तक ही चलाना है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से, उसके पहले तो कोई और इंडेक्स होता नहीं है। तो j is greater than or equal to 0, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। एंड a j is greater than key, तो अब देखो ये क्यों लिखा है हमने, अब आपको समझ में आ जाएगा। a j, a की jth लोकेशन दैट इज 0th लोकेशन पे क्या है, तो a की 0th लोकेशन पे क्या है, 7 है, तो ये 7 है। की क्या है, तो की में क्या है 2 है, की में भी क्या है 2 है, दैट इज ये वाला एलिमेंट है, अभी की क्या है 2 है, तो यहां पे 2, तो 7 इज ग्रेटर देन 2। तो हमें, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर उससे की से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उसको पीछे लेके आना है, तो हमें यही चीज करनी है। जब तक हमें बड़ा एलिमेंट मिलता जाए की से आगे आगे, हमें उसको एक एक लोकेशन पीछे लेके आना है, ओके। तो अब देखो 7 इज ग्रेटर देन 2, हाँ कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। देखो ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, एंड ऑपरेटर है, तो दोनों ट्रू होते हैं, तभी रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। तो ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। अब a j प्लस 1, j की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 कितना आया 1, इज इक्वल्स टू ए जे, मतलब a 0, तो a के फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाए, a की 0th लोकेशन वाला एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, अगर ये बड़ा मिल जाता है तो हमें इसको पीछे लेके जाना है। तो अब क्या होगा, a की फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, a की 0th लोकेशन वाला एलिमेंट, तो ये क्या है, a की फर्स्ट लोकेशन, इस पे क्या आ जाएगा, a की 0th लोकेशन वाला एलिमेंट, तो ये 7 उठ के कहां पर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ओके। ये हो गया, इसके बाद में देखो की को हम डायरेक्टली यहां पे इंसर्ट नहीं करेंगे जब तक पूरे कंपेरिजन नहीं हो जाते हैं। पूरे कंपेरिजन हो जाए, एक फिक्स उसकी पोजिशन मिल जाए, फिर ही हम उसको सही पोजिशन पे इंसर्ट करेंगे, ओके। ये हो गया, फिर क्या हुआ, जे डिक्रीमेंट हुआ, तो जे डिक्रीमेंट होके अब क्या हो गया, -1। अब फिर से हम कहां पे है, ऊपर है, -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि -1 जो होता है वो बड़ा नहीं होता है, ना ही इक्वल होता है 0 के, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एक कंडीशन भी फॉल्स तो पूरा फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स हो गया। तो हम यहां पर आ गए, ए जे प्लस 1, जे की वैल्यू अभी क्या हो गई थी, -1 हो गई थी, -1 + 1, मतलब a की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगी हमारी की, तो a की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगी की, दैट इज ये आ गया 2। तो अब हमारा अरे कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो 2 यहां, 7 यहां, 1 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 8 यहां। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3, ये 4, ये 5, ये पोर्शन हो गया सॉर्टेड, ये पोर्शन क्या हो गया हमारा अनसॉर्टेड हो गया।
अब हम फिर से कहां जाएंगे, यहां पर ऊपर जाके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब अब हमें अनसॉर्टेड, ये क्या सेकेंड लोकेशन से क्या है हमारा अनसॉर्टेड अरे है। ओके, अब हमें कंपैरिजन कहां से करना है, यहां से करना है। तो अब देखो की इज इक्वल टू क्या हो गया, ए आई, तो की में क्या आ जाएगा, ए की आईएथ लोकेशन वाला एलिमेंट दैट इज 1, जैसा कि मैं आपको अभी समझाई चुकी थी। तो की में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में अब क्या हुआ, जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, क्योंकि अब हमें कंपेरिजन यहां से करना है। अब हम यहाँ पे वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन 2 यहां पर आए। ए की जेथ लोकेशन, मतलब ए की कौन सी लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, अभी जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए की फर्स्ट लोकेशन और की वैल्यू क्या है, 1 है, की वैल्यू क्या है, अब 1 है। ओके, तो देखो ए की फर्स्ट लोकेशन ये है 0, ये है 1, तो क्या है उस पर 7 है, तो ए की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 7 है, ए की फर्स्ट लोकेशन पे है 7, क्या 7 बड़ा है क्या 1 से, कंडीशन क्या हो गई, ये भी ट्रू, देखो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। तो अब हम कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बड़ा मिलता है तो हमें उसको पीछे लेके जाना है। तो अब ए की जे प्लस 1 लोकेशन, मतलब ए की सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाए, ए की फर्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट, तो ए की सेकेंड लोकेशन पे ए की फर्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट आ जाए, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, फिर जे क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए, तो अब जे 1 था, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए, कंडीशन ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यहां पर आए। अब हम देखेंगे ए की जीरोथ लोकेशन पे क्या है, तो ए की जीरोथ लोकेशन पे क्या है, 2 है, तो ये 2, और की क्या है, 1 ही है, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन भी ट्रू, मतलब हमें इसको भी पीछे लेके जाना है। तो अब क्या हो जाएगी, ए की जे प्लस 1 दैट इज फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाए, ए की जे मतलब जीरोथ लोकेशन वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, जीरोथ लोकेशन वाला एलिमेंट दैट इज 2 आ जाएगा। ओके, फिर जे डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, देखो अब जे डिक्रीमेंट होके क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई। तो अब हम यहां से बाहर आके ए की जे प्लस 1 वाली लोकेशन पे, दैट इज माइनस 1 प्लस 1 मतलब जीरोथ लोकेशन पे क्या आ जाएगी, की क्या है, 1 है, तो ए की जीरोथ की क्या है, 1 है, तो ए की जीरोथ लोकेशन पे क्या आ गई, की। तो अब अरे क्या हो गया, 1 2 7 3 4 8, तो अब ये क्या बन गया हमारा अरे, तो ये 0 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया हमारा अरे। अब देखो हमारा ये हो गया सॉर्टेड और ये क्या हो गया अनसॉर्टेड। तो अब फिर से जे की आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 3, अब हो गई 3, तो अब थर्ड लोकेशन से हमारा अनसॉर्टेड अरे स्टार्ट हुआ। फिर से क्या हो जाएगा, की इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगी, 3, तो देखो की इज इक्वल टू क्या हो गया, ए आई मतलब ए की थर्ड लोकेशन पे क्या है, 3 है, तो अब हमारी की क्या हो गई, 3 हो गई। जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो देखो J इज इक्वल टू आई माइनस 1 मतलब 2, क्योंकि अब हमें कंपेरिजन कहां से करने हैं, यहां से करने हैं। तो देखो पहले इस 3 को किससे कंपेयर किया जाएगा, 7 से कंपेयर किया जाएगा, 3 को 7 से कंपेयर किया, देखो ये कंडीशन तो ट्रू होगी ही, J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सब हम हटा देते हैं। देखो J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, J की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन 2। यहां पर आए हम, यहां पर ए की जेथ लोकेशन, मतलब ए की कौन सी लोकेशन, सेकंड लोकेशन पे क्या है, 7 है, 7 इज ग्रेटर देन की मतलब 7 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। यहां पे आए, अब हम क्या करेंगे, फिर से जे प्लस 1 वाली लोकेशन, मतलब थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाए, सेकंड लोकेशन वाला एलिमेंट आ जाए, तो थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाए, सेकंड लोकेशन वाला एलिमेंट मतलब 7 आ जाए। इसी तरह से हम फिर से जे की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, 1 हो जाएगी। फिर हम फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट को भी की से कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो एक भी कंडीशन फॉल्स, मतलब हम इस लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मतलब कहां आ जाएंगे, हम यहां पर आ जाएंगे। अब देखो जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 मतलब सेकेंड वाली लोकेशन पे क्या आ जाए, की, तो 0 1 2 इस सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाए, की मतलब की
थ्री आ गई, ठीक है। अब हमें फर्दर क्यों नहीं कंपेयर करने, क्योंकि अगर ये ही क्या है, टू ही क्या है, छोटा है, तो बाकी टू के पहले भी क्या होंगे, छोटे ही होंगे की से सब। तो अब देखो 1, 2, 3, 7, 4, 8 ये एलिमेंट्स हो गए। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ लोकेशन, ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से 4 को 7 से कंपेयर करेंगे तो 7 कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। फिर हम 4 को 3 से कंपेयर करेंगे तो अब हमें आगे और बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, 4 यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, ओके। इसी तरह से 8 को जैसे ही हम 7 से कंपेयर करेंगे तो अब हमें क्या मिला, 7 छोटा मिला 8 से, तो बाकी एलिमेंट्स हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।